सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाकर एडिटिंग कर रहा था। अबे यार किरुमिनर, तू ये क्या कर रहा है? अरे कैसा लैपटॉप है ये, इसमें तो एडिटिंग ही नहीं हो रहा है। पर तू क्यों एडिटिंग कर रहा है? मेरा एडिटर तो पिगू है। पिगू काम से बाहर गया है तो उसने मुझे 150 रुपया दिया है तेरी एडिटिंग करने का। अच्छा रेंडे, ये लैपटॉप तो सिर्फ 100 पीस का है, मैंने सबको दिखाने के लिए रखा है। एडिटिंग तो पिगू कंप्यूटर में करता है जहाँ अंडर रूम में रखा है। तो गाइस, मैं ये बता रहा था कि हमारे जो मेहमान है छोटे आदम सासा, नियोन किरुमिनर और शिनचैन, वो अभी भी यहीं रुके हैं। अरे छोटे आदम सासा, आप फिर से वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे उल्टा लेट के पानी पीऊँ तो वो मेरे पेट में जाएगा या दिमाग में? अरे यार सीधी सी बात है, पेट में ही जाएगा ना, क्योंकि आपका दिमाग तो है ही नहीं। क्या बोला? अरे कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। तो गाइस, छोटे आदम सासा अभी ऊपर लेट रहे हैं और किरुमिनर यहाँ एक्सरसाइज कर रहा है, तो मैं भी अभी जल्दी से जाके लहसुन के परोठे खा लेता हूँ, वरना ये लोग खत्म कर देते हैं, मेरे नसीब में ही नहीं आते। तो चलो सड़ते हैं। अरे आदम भाई, घर पे से के? अरे घर पे ही हूँ, आइए आइए। क्या बात है के, बहुत दिनों बाद घर पे आया। अरे हाँ, वो मैं आदम को ट्रैक्टर रेस के लिए इनवाइट करने आया सू। अच्छा है, आपने मुझे इनवाइट किया पर मैं नहीं आना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्यों ना आना चाहता से? तन्ने आनो पड़ेगो। अरे भाई, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ इन चीजों से, रेस चैलेंज कंपटीशन वगैरह से। अरे ना भाई, ऐसा ना चलेगा, इज्जत का सवाल से तुझे आनो पड़ेगो। अरे अब मैं थक चुका हूँ इन सब चीजों से, आप किसी और को बुला लीजिए। हाँ सही कहा, इनकी उम्र हो गई है तो इन्हें रिटायर हो जाने दीजिए। हाँ सही कहा, सासा मना कर रहे हैं तो मैं आता हूँ। रे ना भाई, हमें ट्रैक्टर रेस की ट्रॉफी लानी से क्लॉक टावर में, आदम ही है वो जो ये रेस जीत सकता से। अरे सब इतना बोल ही रहे हैं तो कर लीजिए ना पार्टिसिपेट। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूँ, चलो हम आ जाएंगे। ठीक से भाई, शाम को आ जाना अपना ट्रैक्टर लेके। अरे यार मैं चाहता था कि कोई मुझे ऐसा चैलेंज वगैरह दे। ठीक है, मैं तुम्हें पेट करेक्शन वर्सेस का चैलेंज देता हूँ। हाँ मुझे मंजूर है, चल हम दोनों पेट करेक्शन वर्सेस करते हैं। बाबू मोसाय, अभी होने जाने वाला है खतरनाक पेट कलेक्शन वर्सेस दो क्रिमिनल्स के बीच में। सुन नियोन क्रिमिनल, हार मान ले, तेरी इज्जत बच जाएगी। मेरी इज्जत ही नहीं है तो बचेगी क्या, तू अपनी सोच। मैं सोच नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर दिमाग नहीं है। ठीक है चल, तो दिखा अपना पेट करेक्शन। वाह बाबू मोसाय, लगता है मुकाबला टॉकर का होने वाला है। तो अभी ये देख, छोटू का पेट है छोटा पर इसका पेट बहुत बड़ा है। अबे ये तू क्या दिखा रहा है, इससे बड़ा तो मेरे शिनचैन के पांडा का पेट है। बढ़िया है, पर ये देख मेरे ताऊजी का पेट, ऐसा लगता है कि उनके पेट की दो आंखें और मुंह है। बढ़िया है, पर ये देख मदन भाई का पेट, इन पे कोई भी टी शर्ट फिट नहीं आता। अबे तूने मदन भाई को खरीद लिया? कोई ना, ये देख हल्क का पेट, इससे बड़ा पेट तो तूने कभी देखा ही नहीं होगा। बेटा तो ये देख वेनम का गुदगुदा पेट जिस पे स्पाइडर का टैटू है। अबे क्रिमिनल, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर, बंद कर ये सब। सासा हम तो पेट कलेक्शन वर्सेस कर रहे थे। अबे ऐसा थोड़ी होता है पेट कलेक्शन वर्सेस। सासा हमारे पास पेट ही नहीं है, इसलिए इस वाले पेट का कलेक्शन वर्सेस कर रहे हैं। छोड़ ये सब, हमें अभी ट्रैक्टर रेस के लिए जाना है। तो गाइस अभी मैं लहसुन के परोठे खाके और पेट कलेक्शन वर्सेस करके आ गया हूँ, मजा आ गया। बाकी आपके लिए भी एक मजे की बात है, आप लोग रोज कमेंट करते हो ना कि 1 आवर का वीडियो चाहिए, डेली वीडियोस चाहिए। तो अब आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, कमेंट में छोटे आदम सासा और नियोन किरुमिनर के चैनल की लिंक दी है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहां डेली लॉन्ग वीडियोस आएंगे और उनका पहला वीडियो भी आ चुका है जिसमें मैं ग्रैनी आदम सासा हम सब लोग उनके घर पे गए हैं उनके यूनिवर्स में। तो वो वीडियो पूरा देख लेना और सपोर्ट कर देना, बाकी अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना चैनल को। हाँ और गाइस उनके वीडियो के कमेंट में लव फ्रॉम आदम सासा और क्रिमिनल कर देना। बाकी अभी हम जा रहे हैं ट्रैक्टर रेस करने, तो चलो सड़ते हैं। तो गाइस अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली से ट्रैक्टर रेस, जो भी पहले फिनिश लाइन क्रॉस करेगा उसे मिलेगी ये चमचमाती ट्रॉफी।
अरे कितनी देर है यार, रेस कब शुरू करने वाले हो? हाँ सही कहा जी, लेट हो रहा है, टाइम तो हो गया। रे आदम की राह देख रहे थे, ये लो आदम आ गया। आदम सासा, आपको यही ट्रैक्टर मिला था क्या? हाँ बाबू मौसा, ये खटारा ट्रैक्टर इनके सामने नहीं जीत पाएगा। अरे हिप्पू तू बस बैठ और देखता जा, हम रेस कैसे जीतते हैं। अरे ये देखो आदम तो अपने जमाने का ट्रैक्टर लेके आया है हमसे रेस करने। ओ भैया तू अपना काम कर। चलो भाई अब आदम आ गया से तो रेस शुरू करते से, रेडी स्टेडी गो। चलो भाइयों हमें आदम को तो जीतने नहीं देना है, सासा जल्दी जल्दी। अरे भाई लोग चिंता मत करो, ये नुबड़ा अपने खटारा ट्रैक्टर से कभी रेस नहीं जीत पाएगा। सासा आप क्या करेंगे? सबको लगता है ये खटारा ट्रैक्टर है, पर इन्हें ये नहीं पता कि इसमें बूस्टर्स लगे हुए है। अब देखो क्या होता है। अरे ये क्या, ये नुबड़ा तो हमसे पहले पहुँच गया। रे भाई के बात से आदम यो कंपटीशन जीत गया से, और अब ये ट्रॉफी उसकी हुई। अरे ऐसे कैसे जीतेगा जी, हम इसको मार कर ट्रॉफी ले लेंगे। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, ये भी कर लेते हैं। हाँ सासा मारो साड़ो को, और मारो बड़े आए ट्रॉफी छीनने वाले। अबे आदम तुझे तो मैं अपने ट्रैक्टर से कुचल दूंगा और ट्रॉफी ले लूंगा। नहीं उससे पहले तो मैं तेरा ट्रैक्टर उड़ा दूंगा, ये लो गोला। अबे इसका गोला तो बहुत ताकतवर है, साले ने मेरा ट्रैक्टर जला दिया। बड़े आए हमारी ट्रॉफी छीनने वाले, ट्रॉफी तो सिर्फ हमारी है। इन लोगों ने तो हमें सोच बनाने के लिए बुलाया था, पर ये देखो अब तो खेती करवा रहे हैं। हाँ इनकी फसल नहीं हो रही है, इसलिए हमको बोला है मदद करने को। अबे यार ये हमारे बस की बात नहीं है। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने स्कीबीडी टॉयलेट्स को पकड़ा है, इनसे उत्पादन बढ़िया होगा। हाँ ठीक है फिर इन टॉयलेट्स को काम सौंप दो। ओए हम काम नहीं करेंगे, बड़ा आया हमसे काम करवाने वाला। यारो काम तो करना पड़ेगा, वरना तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ेगा। मुझे पता था ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने कैमरामैन को बुलाया है। अरे भैया दी मेरा तो मन नहीं है काम करने का। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाँ यारो इन सब को अभी बताता है मैं। ओए नहीं ओए रहने दे ओए, हम सब लोग काम करते हैं। सही कहा कैमरामैन, फोकस मत करो। ओए तुम लोग बाकी के औजार लेके आओ, मैं ट्रैक्टर से काम शुरू करता हूँ। ठीक है भैया जी समझ गए, अभी काम शुरू कर देते हैं। अरे ये रहा क्रिमिनल, भाई लोग पकड़ लो साले को। अरे ये क्या, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? साले तुझे बहुत चर्बी चढ़ी थी ना, ट्रॉफी ले जाएंगे हमसे। हाँ सही कहा जी, बहुत मारेंगे साले को और हमारा बदला लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये तुम लोग गलत कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं साले हम हमारा बदला लेंगे तुझे मार के, और फिर ट्रॉफी भी छीन लेंगे। साले गलत कर रहा है तू नुबड़ी के। भैया जी आपको नुबड़ा बोला, आप इसको औकात दिखा दो। साले लाल टट्टी आज तो तुझे मार मार के पीली टट्टी बना दूंगा। अबे यार मेरे को दर्द हो रहा है, मत मार छोड़ दे। नहीं नहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुबड़ा बोलने की, मैं महान आर्टिकल बंडल हूँ। बसाओ यार कोई बसाओ। अबे कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अबे छोड़ दे उसे, क्यों परेशान कर रहा है उस अकेले को। तू कौन है बे? टेढ़ी मौत समझा। छोटे आदम सासा आप आ गए। चाबेल मार दोनों को। हाँ भैया जी अब इन दोनों नुबड़ों का गेम बजा देता हूँ। अबे तू क्या मारेगा हमें, टेढ़े जैसे हमें छू भी नहीं सकते। रुक तेरी तो अभी बताता है साले। अरे ये तो बहुत ताकतवर है जी। अरे मुझे माफ कर दो। हमारे यहाँ माफ करने की नहीं बदला लेने की परंपरा है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन हमारे साथ और रुक जाइए। अरे नहीं हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, वो हमें पूरी करनी है हमारे यूनिवर्स में जाके। हम समझ सकते हैं, बाकी शुक्रिया आपका क्रिमिनल को बचाने के लिए। अरे नहीं नहीं वो तो हमारा फर्ज था, उसमें क्या शुक्रिया। अरे ये क्या क्या हो रहा है इधर, कोई जा रहा है क्या? हाँ ये लोग जा रहे हैं अपनी दुनिया में। अरे यार क्रिमिनल हम तुझे बहुत मिस करेंगे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है, माफ कर देना मुझे, तू यार मेरे छोटे भाई जैसा है। अरे नहीं नहीं उसमें क्या माफ करना, तू मेरे यूनिवर्स में आना, मैं तुझे परेशान करके अपना बदला ले लूंगा। ठीक है दोस्त वादा रहा, और छोटे आदम ससा सेन सेन बाय।
तो चल क्रिमिनल, अब हम सड़ते हैं। भाई बच्चों, मिलने आते रहना बिमल के साथ। बाबू मोसाई, हम भी आएंगे कल आपके वहाँ। हाँ हाँ, सब लोग जरूर आना। तो गाइस, अब तक हम वहाँ पहुँच चुके होंगे और उनका वीडियो भी आ चुका होगा, तो लिंक कमेंट में जरूर देख लेना यार। गाइस यार, मेहमान सड़े गए। बुरा लगता है जब मेहमान घर से सड़े जाते हैं। बाकी यार, मेरी एडिटिंग भी हो गई है, तो मेरे को इन कटो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। बाय।